गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज देखा 27/7/2020 क्लास 10 की थी। सब्जेक्ट इंग्लिश का है, पेज नंबर 14 से। पेज नंबर 14 में आपके साउंड ऑफ ई दिए हुए, साउंड ऑफ वोवल ई दिए हुए बेटा। इसमें हमें ये करना है, टेक द सिमिलर वर्ड इन ईच लाइन, जिस तरह से आपको दिया हुआ है। देखिए, ये बच्चों आप बुक से देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास वीडियो सेंड कर लूँ, उस पर से देखिए आप। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, जो सिमिलर वर्ड होते हैं यानी सेम, जैसे एग बैग दोनों सेम है ना, इसमें आवाज़ आ रही है ना एग जी की, दोनों में जी लगा हुआ है लास्ट में, तो ये दोनों हमारे सेम वर्ड वाले हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, आप बताइए, फर्स्ट वाला एग है, बैग है, पेन है, इन तीनों में हमारा कौन सा नंबर है, एग और बैग, तो इन दोनों में हमारा लगेगा टिक का निशान। ओके, नेक्स्ट लैब बैग फीन, लैब क्योंकि ये दोनों सिमिलर वर्ड है। सिमिलर वर्ड में क्या बनाना है, टिक का निशान लगाना है। तो ये दोस्तों मेरे बारे में बोल बोल के, ठीक है बेटा।